हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जो व्यक्ति इस धरती में जन्म लेता है उसकी मृत्यु एक न एक दिन निश्चित है। पर क्या आप जानते हैं कि मृत शरीर को अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाया जाता है, और आप यह भी जानते होंगे कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि सबके पास कोई न कोई व्यक्ति जरूर होता है। इन तीन कारणों से टाला जाता है मृत व्यक्ति का दाह संस्कार। पहला कारण, हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। इसके पीछे की मान्यता है कि यदि रात में ही शव को जला दिया गया तो इससे व्यक्ति को अघोघति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेती है। दूसरा कारण, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पाचक काल में होती है तो पाचक काल में शव को नहीं जलाया जा सकता। शव का दाह संस्कार करने के लिए पाचक काल समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। तब तक के लिए शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुण पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है कि यदि पाचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पाचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। लेकिन इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या कुश से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5ों का भी सब की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसा करने से पाचक दोष समाप्त हो जाता है। तीसरा कारण, हिंदू धर्म में मान्यता है कि व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसके बेटे द्वारा ही किया जाए। ऐसी स्थिति में अगर किसी का बेटा या बेटी कहीं दूर रहता है तो उसका इंतजार किया जाता है और सबको घर पर ही रखा जाता है। कहते हैं कि बेटे या बेटी के हाथों से दाह संस्कार होने पर मृतक आत्मा को शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। मृत शरीर को अकेले नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर सब को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाए। और गरुण पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी ये यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अगर सब को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे बदबू आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी है कि वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती सबके चारों तरफ लगातार जलती रहे ताकि सब से आने वाली दुर्गंध चारों ओर न फैले। बुरी आत्मा का साय से भी सबको बचाना जरूरी है। इसके अलावा सबको अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि माना जाता है कि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। ऐसे में कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है, जिस वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकती है। यही वजह है कि रात में सबको अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई उसकी रखवाली करता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।